अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम बिन यासर फ्रॉम एनएम एसोसिएट्स। वेलकम टू एनएम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। आज हम आपके लिए सात मल्ले का घर M7A लेक सिटी में लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें अब इस हाउस के टूर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है जिसमें टाइल वर्क किया गया है, रॉक टाइल्स लगाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म की ट्रिपल कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें डार्क ग्रे, ब्राउन एंड वाइटिश कलर यूज़ किया गया है। फ्रंट में आपको इधर ग्रीन स्पेस मिल जाती है बहुत ही खूबसूरत। उसके बैक पे आपको हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाती हैं विद अ 3D डिज़ाइन। गेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन गेट है, बहुत ही खूबसूरत। और ऊपर आपको सेफ्टी मैयर भी मिल जाता है। अंदर एंटर हूँ इस घर के तो आपको गैरेज मिल जाता है। गैरेज की बात की जाए तो गैरेज में इजीली एक सेडान कार खड़ी हो सकती है। काफ़ी एक्सेसिव स्पेस है गैरेज में। और गैरेज की राइट साइड पे आपको ग्रीन एरिया भी दिया गया है। गैरेज में टॉप वॉल डिज़ाइन भी की गई है, हाईलाइटिंग लाइट्स भी लगाई गई हैं और साथ ही मोज़ेक डिज़ाइन भी किया गया है जिसमें अल्लाह का नाम लिखा गया है और इसमें भी हाईलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं। अंदर एंटर हो तो आपको ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है। बहुत ही खूबसूरत वुडन वर्क किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉलिड वुड यूज़ की गई है। डबल डोर मिल जाता है आपको और इसके साथ आपको लॉबी एंट्रेंस मिल जाती है जिसमें ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाता है। और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको पाउडर रूम मिल जाता है। ये राइट साइड से इस घर को एज अ डबल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट एंट्रेंस है। राइट साइड पे आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है और ये टीवी लॉन्ज एरिया मिल जाता है। चलिए टीवी लॉन्ज एरिया से अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको टीवी लॉन्ज का एक फुल लुक दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत काम नज़र आएगा टीवी लॉन्ज में। ऊपर बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग नज़र आएगी जिसमें गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन और वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया। बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर लगाया गया और फैन इंस्टॉल्ड है। पार्शली फर्निश्ड घर है जिसमें फ़ैन इंस्टॉल्ड है, एसी वायरिंग सब कुछ हुई हुई है। सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाती है जिसमें बैक पे वुडन टच दिया गया, बहुत ही खूबसूरत पूरी वॉल पे। और वॉल हैंगिंग लैंप लगाया गया है मीडिया वॉल पे और इसके साथ आपको नीचे कंसोल दिया गया है। राइट साइड पे आपको टीवी लॉन्च एरिया मिल जाता है। टीवी लॉन्च एरिया को एक्सेस करने के लिए आपको स्लाइडिंग डोर मिला है जिसके साथ टेम्पर्ड ग्लास पर डिज़ाइन है। बहुत ही खूबसूरत वुड यूज़ की गई है, सॉलिड वुड यूज़ की गई है घर में। डाइनिंग और ड्राइंग एरिया में एंटर हो तो आपको बहुत ही खूबसूरत टाइल्स मिल जाती हैं, फ्लोरिश टाइल्स मिल जाती हैं। काफ़ी एक्सेसिव स्पेस मिल जाती है। ऊपर बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग मिल जाती है जिसमें गोल्डन और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया और साथ हाईलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं। इस तरफ आपको सिरेमिक डिज़ाइन मिल जाता है ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन में। वॉल हैंगिंग लैंप्स दिए जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं डोर्स से लेके टाइल्स, फैंस और शैंडलियर्स हर चीज़ के कलर कॉम्बिनेशन को मैच किया गया है। यह आपको ओपन एरिया मिल जाता है जिधर आप ओपन टू स्काई एरिया फॉर वेंटिलेशन और वॉशिंग पर्पज़ के लिए। इसके बिल्कुल साथ ही आपको किचन मिल जाता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत कैबिनेट्स बनाई गई हैं, रैक्स बनाए गए हैं और इसके साथ साथ आपको ड्रॉज दिए गए हैं। फ्रिज एरिया को डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस है। इसके साथ साथ आपको सिग्नेचर का सेंसर ऑपरेटेड हुड और स्टोव मिल जाता है। किचन में भी बहुत खूबसूरत शैंडलियर लगाया गया है और हाईलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं। ग्राउंड फ्लोर में दो बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं तो आपको काफ़ी खुला बेडरूम मिलेगा जिसमें आपको कैबिनेट मिल जाएगी। देन आपको बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट फॉल सीलिंग विद हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाएंगी। बैक को एक्सेस करने के लिए आपको विंडो मिल जाएगी जिधर आप अपना गीजर और वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत वैनिटी LED मिरर मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ ही पोटा की एक्सेसरीज, कमोड एंड शावर मिल जाता है। वॉशरूम्स फुली टाइल्ड हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स यूज़ की गई हैं वॉशरूम में। इसके बिल्कुल एडजेसेंट ही आपको सेकंड बेडरूम मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर पे।
जिसमें आपको फॉर्म वॉल मिल जाती है जो कि वॉल माउंटेड है, जो कि आपके कमरे को एक्सेस स्पेस देती है, और उसके ऊपर आपको हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाती हैं बिल्कुल, के साथ ही आपको कैबिनेट्स मिल जाती हैं, और ऊपर आपको बहुत ही यूनिक वॉल सीलिंग मिल जाती है विद हाईलाइटिंग लाइट्स। फिर इसके बाद इधर से आप अगेन बैक को एक्सेस कर सकते हैं, बैक एली को, और बिल्कुल इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें सेपरेटेड कमोड एंड शावर एरिया दिया गया। अगेन पोटा की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं और बहुत ही खूबसूरत वैनिटी मिल जाती है विद एलईडी मिरर। मूविंग फॉरवर्ड टाइल्स की बात की जाए तो ए प्लस क्वालिटी की टाइल्स यूज़ की गई हैं, मास्टर्स की फुल टाइल्स यूज़ की गई हैं। फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हाईलाइटिंग चीज़ सेफ्टी प्रोटेक्टिव ग्रिल है जिसमें नीचे मेटल का इस्तेमाल किया गया और ऊपर वुडन वर्क किया गया है। आपको मार्बल स्टेयरकेस मिल जाता है, ऊपर चले तो आपको लॉबी टाइप एरिया मिल जाता है जिसमें ग्रीन डिज़ाइन बनाया गया ऊपर एंड बिल्कुल इसके साथ ही आपको बालकनी मिल जाती है जिसमें अगेन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है जो कि आप फ्रंट से देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड ये मेन एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर की, इसमें सबसे पहले आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है अगेन जिसमें आपको कंसोल दिया गया है, मीडिया वॉल पर बहुत ही खूबसूरत वॉल हैंगिंग लैंप्स लगाए गए हैं और ऊपर फॉल सीलिंग की गई है पूरे दीवार पर जिसमें हाईलाइटिंग लाइट्स एंड चैंडेलियर्स आ जाते हैं। इसके बाद आपको ओपन किचन मिल जाता है विद कैबिनेट्स ड्रॉर्स एंड वॉल हैंगिंग लैंप्स विद रेज वुडन स्टोव। बिल्कुल इसके साथ आपको फिर फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, इसमें आपको कैबिनेट मिल जाती है, ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है विद हाईलाइटिंग लाइट्स एंड देन थोड़ी सी सेपरेशन के साथ आपको वॉशरूम मिल जाता है जिसमें आपको अगेन पोटा की एक्सेसरीज मिल जाती है। बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड पे आपको सेकंड बेडरूम मिल जाता है जिसमें आपको ऊपर वॉल हैंगिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग मिल जाती है विद कैबिनेट एंड अटैच वॉशरूम। इसमें अगेन बहुत ही खूबसूरत वैनिटी दी गई है स्टोरेज स्पेस, देन आपको एलईडी मिरर दिया गया बहुत ही खूबसूरत और साथ अगेन सेपरेशन के साथ बाथिंग एरिया एंड कमोड दिया गया पोटा का। इस घर के सेकंड फ्लोर की तरफ जाने से पहले आपको एक कमरा दिखाते हैं थर्ड बेडरूम इस घर का जिसमें वुडन स्टाइल टाइल्स लगाई गई हैं ग्रे कलर की बहुत ही खूबसूरत, बेड वॉल पे बहुत ही खूबसूरत ग्रे टेक्सचर डिज़ाइंस बनाए गए हैं, वॉल हैंगिंग लैंप्स लगाए गए हैं, फॉल सीलिंग बहुत खूबसूरत की गई है विद हाईलाइटिंग लाइट्स एंड आपको सिर्फ कैबिनेट दी गई है। बिल्कुल इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है इसमें बहुत खूबसूरत वैनिटी मिरर कमोड एंड शावर मिल जाता है। वॉशरूम्स की बात की जाए तो फुली टाइल्ड वॉशरूम बनाए गए हैं, ए प्लस क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किया गया, पोटा की एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट यूज़ की गई है वॉशरूम में। सेकंड फ्लोर की तरफ जाएं तो अगेन आपको मार्बल स्टेयरकेस एंड वो तो ग्रिल मिल जाती है, लॉबी टाइप एरिया मिल जाता है आपको इधर आके, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है बहुत ही खूबसूरत पर वॉल्स पर डिज़ाइंस मिल जाते हैं, और इधर अगेन आपको किचन मिल जाता है विद कैबिनेट ड्रॉर्स एंड स्टोव, और इसके साथ ही आपको एक और बेडरूम मिल जाता है जिसमें आपको कैबिनेट मिल जाती है एंड अटैच वॉशरूम मिल जाता है। छत को एक्सेस करने के लिए आपको ऊपर आते हुए बिल्कुल सामने डोर मिल जाता है जिससे आप छत को एक्सेस कर सकते हैं इस घर की। घर की लोकेशन की बात की जाए ये नियर टू पार्क है, 2 मिनट्स वॉक अवे इसके पार्क लोकेटेड है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।